हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज। द लर्निंग चेकलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू ऑल नो दैट द ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट in living organism to carry oxygen, food and water to all the parts of the body and also to eliminate waste product from the body. Depending on the size and the body structure, living organism have different kinds of transportation systems. Actually, what is transportation system? Transportation system of the body is that type of system which transfers all the required substances in our body. Okay, so that is called a transportation system. In animals, the transportation system is called the circulatory system, and in plants, the transportation takes place through pipe-like connections called vascular bundles. Okay, transportation systems agar plants mein hota hai to usko hum bolte hain vascular bundles, aur transportation system animals mein hota hai usko hum kehte hain circulatory system. So two type ke transportation system hote hain generally. First, transportation of substances in animals. So first of all, we are discussing unicellular animals transportation system. Okay, so unicellular organism like amoeba, paramecium and bacteria do not have circulatory system because they are unicellular system. Agar aisa koi organism jo hai hi unicellular, unicellular means wo ek hi cell ka bana hua, okay, single cell se bana hua hai. जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है तो वो अपना सिस्टम को कैसे डेवलप कर सकता है? उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो ही नहीं सकता, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए मिलियंस ऑफ बिलियंस सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये तो सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसमें किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करता है? द पार्टिकल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन दैट कवर्स द सेल। तो जो जैसे अमीबा, फॉर एग्जाम्पल अमीबा में क्या होता है, जो सेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डायरेक्टली उसकी सेल वॉल से ही हो जाता है। ओके, उसका एक्सक्रीशन, उसका एब्जॉर्प्शन सारा सेल वॉल से ही हो जाता है डायरेक्टली। उसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, ओके, कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से उसमें डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, और डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। द सब्सटेंसेज मूव फ्रॉम अ हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। This way of transportation of substances occurring in any unicellular organism is called diffusion. Okay, suppose कि अमीबा को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसकी सारी अपनी प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो ऑक्सीजन कैसे वो एब्जॉर्ब करेगा? क्योंकि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसके सेल के इनसाइड में, सेल वॉल के इनसाइड में क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी बाहर के कंपैरिजन में। तो क्या करेगा कि बाहर से कंसंट्रेशन हायर होने की वजह से ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ही उसकी सेल वॉल से अंदर चली जाएगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो जब वो अपनी सारी प्रोसेसेस कंप्लीट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेल वॉल के इनसाइड ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड यानी कि बाहर की तरफ चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली। तो वो होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस। ओके, तो इस तरह से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सब्सटेंसेस का। इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक सम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो सच एज स्पॉन्जेस, जेलीफिश एंड हाइड्रा, द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द बॉडी एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो कुछ मल्टीपल जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो भी इसी तरह से डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जेली फिश, हाइड्रा, स्पॉन्जेस एट्सेट्रा। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन ह्यूमन्स। सो डिफ्यूज़न इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन्स इज टू स्लो टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज। जो डिफ्यूज़न होता है वो सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के काम का तो होता नहीं, वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही एनफ होता है। तो क्या होता है जब मल्टी सेलुलर लाइक ह्यूमन बींग्स तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है उनके अंदर, तो जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और जो उसकी रेट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, काफ़ी फास्ट रेट से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो डिफ्यूज़न सिस्टम है वो तो एनफ होता ही नहीं है, वो इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा, वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न वाली। ओके,
तो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स में डिफ्यूज़न के अलावा जो है एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्या कर सके, हायर रेट से ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट कर सके। सो क्या होता है, हैंस अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड ब्लड ऑलवेज सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी विद इन अ नैरो ट्यूब्स और चैनल कॉल्ड ब्लड वेसल्स। सो द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम एज ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन द ब्लड एंड द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंसेज एट द सेम टाइम। द हार्ट ब्लड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेकअप ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स। तो ये ह्यूमन बींग्स में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो क्या करता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है हायर रेट से। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट्स रेस्पिरेटरी गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, सेक्रेशंस एज वेल एज वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू अनदर पार्ट। तो ब्लड एक मीडियम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक मीडियम होता है जो सारी जो थिंग्स हैं हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन वगैरह और सेक्रेशन, न्यूट्रिएंट्स, सारी गैसेस वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी मीडियम के थ्रू सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड किन किन चीज़ों से बनता है, वी विल डिस्कस फर्दर। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए पेल येलो लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच मैनी सेल्स फ्लोट। सेल्स दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा आर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड RBCs इन शॉर्ट, वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड WBCs एंड प्लेटलेट्स। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी देर आर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, दीज रेड कलर्ड सेल्स आर कॉल्ड RBCs एंड दीज वाइट कलर्ड सेल्स आर कॉल्ड WBC and rest of the other materials are blood platelets. Okay, so these are the parts of blood. This is complete composition of blood. Important thing, science in context. Some mollusks and crustaceans like crabs contain a pigment called hemocyanin instead of blood, instead of hemoglobin, hence their blood is blue in color. ह्यूमन ब्लड का रंग जो कलर होता है वो रेड होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। बट जो क्रैब्स होते हैं, कुछ मॉलक्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनका कलर ब्लू कलर का होता है। ओके, उनका जो ब्लड होता है ब्लू होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हीमोसाइनिन की वजह से होता है। अनदर साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, द सेल इन द ब्लड रश टू इंजर्ड साइड्स ऑफ द बॉडी एंड स्टॉप द ब्लीडिंग बाय क्लंपिंग टुगेदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स। जब भी हमें कहीं वाउंड हो जाता है तो क्या करता है, ब्लड हमारा वहाँ पर आता है और उसको कम्प्लीटली क्लॉग कर देता है ताकि जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। कंपैरिजन ऑफ RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। RBCs आर सर्कुलर इन शेप बट WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स बोथ आर इररेगुलर इन शेप एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट अमंग देम। RBCs contain a pigment called hemoglobin which gives a blood color red. RBCs क्या होता है, एक पिगमेंट होता है RBCs में, हीमोग्लोबिन, उसी की वजह से RBC का कलर रेड होता है। बट WBC and blood platelets both are colorless as they don't have any pigment. RBCs transport oxygen and carbon dioxide to different parts of the body. WBCs फाइट एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स दैट एंटर आर बॉडी। जो WBCs होती है वो क्या करती है, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इम्यून सिस्टम मीन्स जो भी हमारे बॉडी में वायरस जर्म्स वगैरह जाएंगे उनको फाइट करेगा। ओके, उनसे फाइट करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा, तो वो WBC होती है। इनको हम कह सकते हैं हमारी बॉडी की आर्मी है एक तरह से, द आर्मी ऑफ आर बॉडी फोर्स। ब्लड प्लेटलेट्स, these clot blood and stop the bleeding from wounded parts. Red blood cells also called erythrocytes, WBCs called leukocytes and blood platelets thrombocytes. So this is the comparison of these cells. Next, blood performs several functions. The functions of blood, very important. It transports digested food from a small intestine to other parts of the body.
it carries oxygen from the lungs to the cells and carbon dioxide from the cells to lungs. ये क्या करता है ब्लड, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होगा उसको अदर पार्ट ऑफ बॉडी तक लेके जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इट कैरीज ऑक्सीजन. ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स तक ताकि उनको हम एक्सक्रीट कर सकें. नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग डिजीज कॉजिंग जर्म्स को डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से सेफ रखेगा. इट क्लॉट्स ब्लड व्हेन देयर इज एन इंजरी और कट, प्रिवेंटिंग एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड. ये क्या करता है, हमारी जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करता है बाय मेकिंग ऑफ ब्लड क्लॉट्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज ब्लड वेसल्स. दिस इज अनदर पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम इज व्हाट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, एंड इफ इट इज फाउंड इन प्लांट्स इट विल कॉल्ड व्हाट, इट विल बी कॉल्ड बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स. सो ब्लड वेसल्स, द ब्लड इन आर बॉडी मूव्स थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर्टरीज एंड वेंस, एंड थर्ड टाइप इज कैपिलरीज. सो आर्टरीज एंड वेंस, व्हाट आर दीज, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वी कैन ऑल्सो कॉल इट फ्रेश ब्लड. ओके, सो आर्टरीज कैरी फ्रेश ब्लड शोन बाई रेड कलर्ड, ओके, रेड कलर्ड ब्लड वेसल्स. And except pulmonary artery which carries deoxygenated blood, okay, only pulmonary artery is that type of artery which carries deoxygenated blood. They have thick elastic muscular walls as blood flows through them with high pressure. जो arteries होती है, arteries direct heart से output आता है उनका, okay, heart से जो blood आता है सीधा artery में आता है, और because heart से just blood artery में enter होता ही है तो उसका pressure काफ़ी high होता है. तो इसकी वजह से जो इनकी वॉल्स होती हैं, इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स होती है और काफ़ी थिक होती है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज वेंस. वेंस ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. दे जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट. ओके, वेंस हैव थिनर वॉल्स कंपेयर टू आर्टरीज बिकॉज दे हैव लो ब्लड प्रेशर इन कंपेरिजन विद आर्टरीज. ओके, सो वेन्स हैव वॉल्व्स स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू द ऑर्गेन्स. वेन्स लाइक क्लोजर टू द स्किन एंड सरफेस एंड कैन बी सीन एज ग्रीनिश ब्लू लाइन्स इन आर हैंड एंड लेग्स. सो दीज आर द इन लेफ्ट दिस इज एन आर्टरी एंड इन राइट दिस इज अ वेन. वेन्स हैव वॉल्व्स इनसाइड देम एंड द वॉल्स ऑफ veins are thinner in comparison with artery. So this is the diagram of artery and vein. It is a network of capillary. Capillaries are, what are capillaries? Let's discuss first. Capillaries, when an artery reaches an organ, it splits into smaller vessels called arterioles, which further split to form a network of extremely thin blood vessels called capillaries. The capillaries join together to form larger vessels which ultimately join to form the veins. Okay, so exchange of materials such as nutrients, chemical substances and gases between the blood and the cells occurs in the capillaries. The blood pressure in the capillaries is lower than the arteries but higher than the veins. So these are the capillaries. Capillaries kya hota hai? आर्टरीज और वेंस, इनके बीच में जब कोई ऑर्गेन आ जाता है तो उस ऑर्गेन में सप्लाई करने के लिए न्यूट्रिएंट का, ब्लड का, ऑक्सीजन का, उन सबको सप्लाई करने के लिए आर्टरी क्या होती है, काफ़ी स्मॉल टाइनी ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है. तो वो सारी टाइनी ब्लड वेसल्स जो काफ़ी थिनेस्ट होती है वो सारी कैपिलरीज होती है. ओके, ये कैपिलरीज ही किसी ऑर्गेन में सारे सेल्स तक, सारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स इन सब का एक्सचेंज करती है. तो ये सारी कैपिलरीज होती है. कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, आर्टरीज से तो कम होता है बट वेंस से ज़्यादा होता है. ओके, द ब्लड प्रेशर इन द कैपिलरीज इज लोअर देन द आर्टरीज बट हायर देन द वेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टरीज. साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, द ब्लड कैपिलरीज आर सो स्मॉल
that it takes 10 capillaries to equal one human hair in thickness. ये शो करता है कि आर्टरी जो कैपिलरीज़ हैं हमारी, कैपिलरीज़ की थिकनेस कितनी होती है. अगर 10 कैपिलरीज़ को एक साथ ले लिया जाए तो एक ह्यूमन हेयर के थिकनेस के बराबर होगा. ओके, नेक्स्ट थिंग इज हार्ट. सो द हार्ट इज़ अ फिस्ट साइज मस्कुलर ऑर्गेन फाउंड इन द चेस्ट कैविटी टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग. ओके, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. इट बीट्स 60-80 टाइम्स इन अ मिनट थ्रू आउट आवर लाइफ. ये हमारी पूरी लाइफ में 60-80 टाइम्स इन अ मिनट पंप करता है. द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ फोर चैम्बर्स. हार्ट क्या होता है, फोर चैम्बर्स से बना हुआ होता है, फोर चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है. द अपर लेफ्ट एंड राइट चैम्बर्स आर द आर्ट्रिया सिंगुलर एट्रियम एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑरिकल. ओके, आर्ट्रिया होता है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है एट्रियम, और जो उसको ऑरिकल भी बोला जाता है. एंड द लोअर एंड राइट चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स. द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई वॉल्स और पोर्शंस विच हैव वॉल्स इन दैम. ओके, सो वॉल्स अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. द राइट ऑरिकल ओपन्स इन टू द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट ऑरिकल इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. So you can see here, this is atrium, left atrium. Okay, actually in our diagram it is made up in right side, but it will be written as left. Okay, because it is a human body diagram. Human body diagrams, all biological diagrams are laterally shifted with right and left. So this is left side of the diagram, this is left atrium and this is left ventricle. This is right atrium and this is right ventricle. Right atrium opens in right ventricle and left atrium opens in left ventricle. So these are the portions for chambers of our heart. This is aorta, this is main artery of our body. Aorta carries oxygenated blood to different parts of our body, and this is pulmonary artery. Pulmonary artery carries what? It carry deoxygenated blood. It carry deoxygenated blood to the lungs where it gets oxygenated. यहाँ से जो blood होगा हमारा unfresh blood, वो जाएगा सार से directly lungs के पास, और lungs में से oxygen को carry करके वापस से oxygenated हो जाएगा. देन पल्मनरी वेंस, ये है दोनों पल्मनरी वेंस, दीज बोथ आर पल्मनरी वेंस. दीज ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. ये दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी. ये कहाँ से आती है, जो यहाँ से तो ब्लड जाता है लंग्स के पास में, और लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड हो करके वापस इन में आएगा, फिर यहाँ से बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा. तो ये कंप्लीट थिंग्स होती है. और ये जो स्ट्रक्चर है, ये है वॉल्स, ये है वॉल्व्स. ये क्या करते हैं, जो ब्लड है उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल तक होने देते हैं. वापस वेंट्रिकल से एट्रियम तक ब्लड नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ दीज वॉल्व्स. ये सिर्फ वन डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होने देते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, अगेन दिस साइड में भी वॉल है. ये वॉल क्या करेंगे, सिर्फ ब्लड को इस पार्ट से एट्रियम से वेंट्रिकल तक फ्लो होने देंगे, वापस एट्रियम वेंट्रिकल से एट्रियम तक फ्लो नहीं होने देंगे. ओनली इन वन डायरेक्शन फ्लो कैन अकर. सो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है. देन दिस इज वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा. इट इज़ द मेन वीन ऑफ बॉडी. इट कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटायर पार्ट ऑफ आर बॉडी, ड्रेन्स इट टू द राइट एट्रियम. सारा का सारा ब्लड यहाँ पर आ जाएगा. फिर ये होती है इंफीरियर वीना कावा, और ये उसका ही पार्ट है. कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द posterior part of the body and drains it to the right atrium. दोनों अंदर जाके सेम पोर्शन में जाके कनेक्ट हो जाती है. ओके, सो प्रोसीड द चैप्टर फर्दर. ड्यू टू दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट, द ब्लड ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिमेन्स कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट.
जिस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन होता है हार्ट का, उसकी वजह से क्या होता है, जो लेफ़्ट साइड वाला ब्लड होता है लेफ़्ट साइड में ही रहता है, वो राइट साइड वाले ब्लड से मिक्स नहीं होता। तो ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है हार्ट का। द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोज थ्रू द राइट साइड ऑफ द हार्ट व्हाइल द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्लोज थ्रू आउट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ओके, फ्रेश ब्लड हमेशा लेफ्ट साइड में फ्लो करेगा और अनफ्रेश ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वो राइट साइड में फ्लो करेगा। अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द राइट साइड। सेप्टम होता है दोनों के बीच का एक पार्टीशन जो लेफ्ट और राइट को सेपरेट करके रखता है, प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट इज साइंस इन कॉन्टेक्स्ट। स्क्वीज अ टेनिस बॉल एज हार्ड एज यू कैन विद योर फिस्ट। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स योर हार्ट अप्लाइज एवरी टाइम इट पम्प्स ब्लड इवन वेन यू आर एट रेस्ट। इट वर्क्स ट्वाइस हार्ड एज द लेग मसल्स। इट इज शोइंग हाउ मच हार्ड वर्किंग इज आर हार्ट। हार्ट कितना हार्ड वर्क करता है, आप टेनिस बॉल को कितना प्रेस करके उसको स्क्वीज करके कितना स्मॉल कर सकते हो, उतना फोर्स एवरी टाइम जब भी हार्ट पम्प करता है उतना फोर्स लगाता है। और हमारी जो लेग की मसल्स होती है जिसको हम सबसे पावरफुल मसल्स बोलते हैं, उससे भी डबल वर्क करता है हमारा हार्ट। तो यह है हार्ट की पावर। नेक्स्ट इज वीना कावा पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वीन एंड ऑर्टा। वीना कावा इट इज़ द लार्जेस्ट वीन दैट कलेक्ट्स ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ आर बॉडी एंड अदर स्मॉलर वीन्स एंड एम्प्टीज द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम। ये वीना कावा सबसे सुपीरियर सबसे मेन एक वीन होती है जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कलेक्ट करती है पूरी बॉडी में से और फिर राइट एट्रियम में जाकर उसको ट्रांसफ़र करती है। देन पल्मोनरी आर्टरी इट कैरीज ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट ऑफ द लंग। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन ये दोनों ही मेन आर्टरी और मेन वीन का एक्चुअली ऑपोजिट वर्क करती है। आर्टरी तो वैसे फ्रेश ब्लड होता है उसको कैरी करेगी और वीन अनफ्रेश ब्लड को कैरी करेगी, बट जो आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी है वो फ्रेश ब्लड को कैरी करेगी अनफ्रेश ब्लड को कैरी करेगी। अनफ्रेश ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और जो पल्मोनरी वीन है वो फ्रेश ब्लड को यानी कि ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कैरी करती है और उस सारा ब्लड जाकर एट्रियम में ट्रांसफ़र कर देती है लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट इज ऑर्टा इट इज़ द सुपीरियर एंड मेन आर्टरी ऑफ आर बॉडी। इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी विच रिसीव्स ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन सर्कुलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ ऑर्टा। साइंस इन कॉन्टेक्स्ट। इन ह्यूमन बींग्स ब्लड इज़ कैरीड बाई ब्लड वेसल्स फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द सेल्स एंड बैक अगेन। इट नेवर लीव्स द ब्लड वेसल्स, हैंस इट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड ब्लड सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड है सारा के सारा ब्लड वेसल्स से कैरी करता हुआ ट्रांसपोर्टेशन होता हुआ सेल्स तक जाएगा और सेल्स से वापस वेसल्स में आकर हार्ट में चला जाएगा। तो पूरा सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन में कहीं पे भी जो ब्लड है वीन्स और आर्टरीज से बाहर नहीं जाता है, ब्लड वेसल से कहीं पे भी बाहर नहीं जाता है। सो इसलिए इसको क्लोज्ड ब्लड सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हार्ट बीट एंड पल्सेस। द हार्ट वर्क्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इट मसल्स। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉलोज अ रिदम कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है उसे ही हम हार्ट बीट बोलते हैं। तो इसका कंप्लीट साइकिल होता है हार्ट बीट का, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन का। तो ये क्या होता है, इट नॉर्मली हार्ट नॉर्मली बीट्स 70-80 टाइम्स पर मिनट। हार्ट जो होता है एक मिनट में 70-80 टाइम्स बीट करता है। सो व्हेन यू प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट यू कैन काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन अ मिनट। जब हमारा हैंड हम पाम को रखेंगे चेस्ट पे तो हम उसको फील कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हार्ट की बीट्स को। ओके, वो 70-80 टाइम्स पर मिनट होगी। अगर हम रन करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो वो हार्ट बीट्स चेंज हो सकती है, वो इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज उसको उस टाइम पे ज़्यादा ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना होता है ऑक्सीजन के लिए। तो उस टाइम पे उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, या अगर हम ज़्यादा ही रेस्ट पे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी हार्ट बीट कम रह सकती है। नॉर्मली 70 से कम तो नहीं होती है, 70 तक लोएस्ट काउंट होता है उसका। देन इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स यूज इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। इट कैन बी फेल्ट वेयर एन आर्टरी इज क्लोज टू द सरफेस
of the skin such as wrist and the neck. A doctor uses an instrument or called stethoscope to listen your heartbeat. He can also count your pulse rate by feeling the pressure of the movement of blood through the artery. जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप, उसको टच करते हैं और उसकी साउंड को सुन सकते हैं, इस तरह से उनको पता चल जाता है हार्ट बीट्स का. वन मोर टर्म इज़ पल्स. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पल्स. पल्स इज़ ए थ्रॉबिंग सेंसेशन ऑफ एन आर्टरी, ईच बीट ऑफ द हार्ट. पल्सेस क्या होती हैं? जब भी हार्ट बीट करता है तो हार्ट बीट करने की वजह से ब्लड को पम्प करता है, और वो पम्प की वजह से क्या होता है, जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज में एक थ्रोबिंग सेंसेशन होता है. ओके, आर्टरी में एक प्रेशर को हम फील कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ईच बीट ऑफ द हार्ट, तो वो होता है पल्सेस. तो उसको हम फील करके काउंट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स. यू वी नो दैट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज contains transportation system which is called vascular bundles. Okay, vascular bundles. So like animals, plants also need a transportation system. They need to transport water, minerals, salt and nutrient to all parts. Once the water and minerals are absorbed from the body by the roots, they move up the stem and leaves through the tube-like tissues called the xylem. जो प्लांट्स होते हैं उनको भी रिक्वायरमेंट होती है, उनको भी नीड होती है क्या क्या चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने की, वाटर, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने की. तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनमें एक फाइबर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर फाइबर स्ट्रक्चर, टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, जाइलम. जाइलम क्या करता है, रूट्स से सबसे पहले तो जो प्लांट है वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके बाद रूट्स के बाद में वो जाइलम के थ्रू होते हुए लीव्स तक, और जहाँ पे भी जिस जिस पोर्शन में उसकी रिक्वायरमेंट होती है जाइलम के थ्रू वो उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है. ठीक है, तो जाइलम होता है, तो ये चीज़ है जाइलम एंड फ्लोएम. हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी हियर द इनर साइड इज़ जाइलम एंड आउटर इज़ फ्लोएम. फर्दर इफ वी जूम दिस थिंग फ्रॉम दिस पोर्शन वी विल गेट दिस डायग्राम. This side, this left side is xylem. These are xylem tissues, and in the right side these are phloem tissues. Xylem tissues carry always water, okay, waters, and the phloem tissues always carry nutrients. And this is cambium layer, which differentiates xylem and phloem. Okay, so this is the detailed diagram of conducting tissues in plants. अब इनका मेन वर्क क्या होता है xylem एंड phloem का. xylem तो ट्रांसपोर्ट करेगा roots से water एंड minerals को. water एंड minerals को xylem सारे plants तक, सारे plant के parts तक ट्रांसपोर्ट करेगा. then photosynthesis process में जो भी food develop होगा plant की leaves में, उन plants की leaves में से सारा food सारे parts तक ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, phloem. ओके, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, न्यूट्रिएंट्स को, जो कि फोटोसिंथेसिस में उनमें बन जाता है, वो करता है लीव्स से बाकी पार्ट्स तक. तो ये होता है जाइलम एंड फ्लोएम का वर्क. तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिला के जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं प्लांट्स का, और उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम कहते हैं वस्क्यूलर बंडल्स. Okay, so here in this activity it is shown to infer the transportation of water and minerals from takes place through the xylem. ये show करता है कि xylem से ही transportation होता है water का. इसमें हम क्या करेंगे, एक plant लेंगे और एक live plant लेंगे. Okay, इस live plant को colored, एक water में color को mix कर देंगे, फिर उस color को हम जब इसको बाद में ऑब्जर्व करेंगे कुछ टाइम बाद में, तो हमें पता चलेगा कि उसकी आउटर मोस्ट वाले पार्ट में तो रहता है फ्लोएम, उसमें तो कुछ चेंज होता नहीं, बट जो इंटरनल पार्ट है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज जो जाइलम है वो इनसाइड वाले स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है, इनर लेयर में. तो इसमें क्या है, जो इनर वाली लेयर है उसका कलर यहाँ पर ऑरेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जाइलम. ये शो करता है कि जाइलम यहाँ पर प्रेजेंट है और वाटर को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ओके,
तो यह है एक्टिविटी। सेकंड, नेक्स्ट इज एक्टिविटी थ्री। ये एक्टिविटी शो करती है कि जो फ्लोएम वाला पार्ट है, फ्लोएम ही फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइव प्लांट को लेंगे, उसको कट कर देंगे ऊपर से, और फिर उसको कट करने के बाद जो है उसकी अपर लेयर को वहाँ से हटा लेंगे, उसकी अपर लेयर को रिमूव कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो फ्लोएम है, बिकॉज फ्लोएम कहाँ पर अवेलेबल होता है, आउटर लेयर में, आउटर लेयर में अवेलेबल होता है फ्लोएम। यह है इसकी आउटर लेयर और यह है इनर लेयर। यहाँ पर इनर लेयर में जाइलम अवेलेबल है और आउटर लेयर में फ्लोएम अवेलेबल है। तो जो फ्लोएम है आउटर लेयर में अवेलेबल है, और इसमें हमने क्या किया, उसके स्टेम पे से आउटर लेयर को हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो इससे क्या होगा, इसका फ्लोएम का कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो जब फूड को अपर साइड से, यानी कि यहाँ पर प्लांट्स की लीव्स अवेलेबल होगी, तो लीव्स से जो फूड है ट्रांसपोर्ट हो रहा है नीचे वाले साइड में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर सारा जो फूड है गैदर हो जाएगा, बिकॉज आगे तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा, फ्लोएम हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा और ये शो करेगा कि यहाँ पर जो है फ्लोएम वर्क करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। ओके, तो जो प्लांट में दो प्रोसेसेस होती है, एक तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो जाइलम करता है, उस वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और जो फूड वाला ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको फ्लोएम कंप्लीट करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। सो दिस इज द ट्रांसलोकेशन ट्रांसपिरेशन प्रोसेसेस। नेक्स्ट टर्म इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस सर्टेन वेस्ट मटीरियल। हमारी बॉडी जब इतना वर्क करती है, रेस्पिरेशन करती है, डाइजेशन करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक मीन्स हार्मफुल होते हैं। ओके, पॉइजनस होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए। तो जब तक वो हमारी बॉडी में रहेंगे, तो वो कुछ ना कुछ बॉडी को हार्म करेंगे। तो इसलिए उन प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो बाहर निकालने को कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, और इस एक्सक्रीशन को कंप्लीट करने के लिए बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गेन्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, वी ऑलरेडी नो दैट दे डू देयर ट्रांसपोर्टेशन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। जो हमने सबसे पहले अमीबा में देखा था, वो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्टली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। जो एक्सक्रीशन भी वो डिफ्यूजन के थ्रू ही कर देते हैं। उनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन इनर साइड में ज़्यादा होती है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि बॉडी के बाहर उसको डायरेक्टली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट कर देंगे। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, द ऑर्गेन्स इन्वॉल्व इन रिमूविंग वेस्ट्स इन ह्यूमन बींग्स आर स्किन, लंग्स, किडनीज। ओके, सो दे आर द ऑर्गेन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर अनवांटेड गैसेज इनहेल्ड थ्रू रेस्पिरेशन आर रिमूव्ड थ्रू द लंग्स। जब भी हम रेस्पिरेशन करेंगे, इन्हेलेशन के टाइम पे जो भी अनवांटेड गैसेज हम उसको इन्हेल कर लेंगे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में डेवलप होगी, उसको एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू जब हम ब्रीद आउट करेंगे, तो उस टाइम पे बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनवांटेड गैसेज का एक्सक्रीशन। देन सॉल्ट्स एंड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ वाटर आर रिमूव्ड थ्रू द स्किन एज स्वेट। और जो हमारी बॉडी में सॉल्ट और कुछ डिफरेंट चीज़ें जो बनेगी, उसको स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ होती है, उसमें क्या होता है, वाटर के थ्रू, वाटर में डिजोल्व करके सॉल्ट्स को बाहर निकाल दिया जाता है। डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में तो सॉल्ट बाहर आ नहीं सकता, इसलिए डिजोल्व फॉर्म में विद वाटर स्वेट के फॉर्म में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल यूरिया एंड यूरिक एसिड। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, यूरिया यूरिनरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। तो विच इंक्लूड्स द किडनीज, द यूरेटर्स एंड द यूरिनरी ब्लैडर।
and the urethra. Human beings have one pair of bean-shaped kidneys which filter waste products from the blood to form urine. Each kidney consists of a large number of coiled tubes called nephrons. These nephrons filter out waste product from the blood, hence nephrons are considered the functional units of kidney. किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, वो क्या करती है काफ़ी सारी नेफ्रॉन्स मिला के किडनी को फॉर्म करती है. ये होती कॉइल्ड ट्यूब्स, ये एज ए फिल्टर वर्क करती है किडनी में. तो वो क्या करेगी, वेस्ट मटेरियल्स को ब्लड में से फिल्टर करके एक साइड में अलग इकट्ठा कर लेगी और फिर उसको वाटर के साथ में डिजॉल्व करके यूरिन का फॉर्मेशन करेगी और फिर यूरिन के साथ उसका एक्सक्रेशन हो जाएगा. तो इस तरह से हमारा यूरिनरी सिस्टम वर्क करता है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम. These both are bean-shaped kidneys. This is left kidney and this is right kidney. And when the blood comes inside the kidney from these blood vessels, okay, these both are blood vessels. And when blood comes inside the kidney will filter that blood. And the urine formation will be done inside the kidney and that urine will be stored inside the urinary bladder. These are ureters, right ureter and left ureter. These are the pipeline structure to transport urine from the kidney to urinary bladder. And urine will be stored in urinary bladder and excreted from this urethra. This is the way to excrete urine. So a narrow tube called ureter runs from the inner side of each kidney. The two ureters form the two kidneys are connected to large sac called bladder. So this is the bladder, it stores urine. We already discussed this complete structure, urinary system. So this is all about the urinary system in human beings and this chapter. More things are there in this urinary system. The sphincter muscle in the urethra helps in the passing of urine, and sometimes due to infection, genetic conditions of injury, the kidneys may stop functioning, which results in accumulation of waste substances within the body. जब कभी कभी क्या होता है, किसी प्रॉब्लम की वजह से, लाइफस्टाइल या कुछ भी, या किसी इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी किडनीज है वर्क करना बंद कर देती है, ओके, किडनीज़ ख़राब हो जाती है. तो किडनीज़ में क्या होगा, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा. और फिर उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कैसे कर पाएंगे, तो फिर एक प्रोसेस होती है डायलिसिस, ओके, डायलिसिस प्रोसेस. दिस कंडीशन कैन बी फैटल. इन सच केसेस ब्लड इज़ पास्ड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डायलिसिस. उस केस में जब हमारी किडनीज़ वर्क नहीं कर रही होगी तो क्या करेंगे, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें से जो ब्लड है उसका सर्कुलेट करवाएंगे एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन से. वो किडनी मशीन क्या करेगी, एक मशीन होगी जो कि ब्लड को फिल्टर करेगी, बिकॉज हमारी जो ओरिजिनल किडनीज है वो तो फिल्टर कर नहीं पा रही है. तो उसको आर्टिफिशियल किडनी मशीन में से पास करवाएंगे ताकि वो उसमें से फ़िल्टर कर लें और हमारी बॉडी को ठीक रखे, सारी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस. किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अनदर ऑप्शन टू ट्रीट फेल्ड किडनी. जब किडनी फेल हो जाएगी तो या तो किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, वही एक ऑप्शन होता है, या फिर डायलिसिस करते रहो. डायलिसिस फिर हमेशा ही करना पड़ेगा. तो उसका एक ही मेन ट्रीटमेंट होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर सकें. सो इन दिस सर्जिकल प्रोसेस द फेल्ड और डिजीज किडनी इज रिप्लेस विद इन अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ डॉक्टर, फ्रॉम अ डोनर विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर. जो डॉक्टर होंगे क्या करेंगे, फेल्ड किडनी को किसी अच्छी वाली नई किडनी के साथ में रिप्लेस कर देंगे और नई किडनी हमारी बॉडी में वर्क करने लग जाएगी. और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो ह्यूमन होता है वो एक किडनी के साथ में भी रह सकता है, बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी लाइफस्टाइल का, ओके, उसको अच्छी लाइफस्टाइल बनानी होगी. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. प्लांट्स टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी. द मेन वेस्ट एक्सक्रीटेड बाई प्लांट्स आर गिवन बिलो. प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं. वो क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं, गैसेज, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट्स, गम्स, रेजिन्स एंड लेटेक्स. इन सब का एक्सक्रीशन प्लांट्स करते हैं. तो गैसेज का कैसे करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन करेगा प्लांट. और
रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन कर देगा। एक्सेस वाटर, द एक्सेस वाटर टेकन इन थ्रू द रूट्स इज लॉस्ट बाय द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जब प्लांट में एक्सेस वाटर आ जाएगा तो उसको रूट्स के थ्रू और रूट्स के थ्रू और अपनी लीव्स के थ्रू रेस्पिरेशन उसका कर देगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू उसको एक्सक्रीट कर देगा। नेक्स्ट इज एक्सेस सॉल्ट्स, द एक्सेस सॉल्ट्स ऑब्टेंड ईदर फ्रॉम द सॉइल और वाटर इन द ग्राउंड आर एक्सक्रीटेड एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन प्लांट सर्फेसेज लाइक लीव्स और द स्टेम इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। जब भी सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होगा तो क्या करेगा, सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर तो लेगा, उसके बाद उसको एक्सक्रीट करना होगा, तो अपने सर्फेसेज पे एक्सक्रीट कर लेगा, जैसे कि लीव्स पे और स्टेम पे क्रिस्टल फॉर्म्स हो जाएंगे सॉल्ट के, और इस तरह से उसको एक्सक्रीट कर देगा। देन गम, रेजिन एंड लेटेक्स, दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंसेज विच आर मेनली प्रोड्यूस्ड वेन द प्लांट्स गेट ओल्डर। दीज सब्सटेंसेज आर ऑफ ग्रेट यूज एज एडिसिव पेंट्स वार्निशेज एंड रबर। ये सारी चीज़ें क्या होती, गम रेजिन एंड लेटेक्स टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं प्लांट में, और प्लांट्स उसको जब ओल्ड हो जाएगा तो अपने लीव्स में या वाउंड्स में से उसको एक्सक्रीट कर देगा, और ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ कर लेते हैं एडेसिव बनाने में, पेंट्स बनाने में, वार्निशेज एंड रबर मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये सारे हमारे लिए यूजफुल होते हैं। नॉ द फैक्ट, एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेज दैट रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट्स। कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं प्लांट्स में, उनको हम बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स। जब एंटी ट्रांसपेरेंट्स को हम स्प्रे करेंगे प्लांट्स के स्टेम पे एंड लीव्स पे टू प्रोटेक्ट द एवरग्रीन प्लांट्स फ्रॉम ड्राई विंटर विंड्स। विंटर टाइम पे क्या होती है, विंड काफ़ी ड्राई हो जाती है और उनको ड्राई करने लगती है प्लांट्स को, तो उनकी वजह से प्लांट्स की डेथ हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए हम एंटी ट्रांसपेरेंट्स को स्प्रे कर देंगे, ताकि क्या उनमें से वाटर का लॉस नहीं हो सके, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को हम स्टॉप कर सकें, तो ये थिंग होती है एंटी ट्रांसपेरेंट्स। नाउ चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी, थैंक यू।